यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। इन बीजेपी सांसद ने राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने ऐलान किया है कि राज ठाकरे तब तक यूपी नहीं आ सकते हैं जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते हैं। लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण इस मामले में अटैकिंग मूड में बोलते हैं उससे सवाल भी उठे कि बीजेपी लाइन से उतर जाकर आखिर ब्रजभूषण क्यों ये सब कर रहे हैं। इन सवालों के बीच कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनके बाद सवाल फिर से और बड़ा हो गया कि क्या वाकई पर्दे के पीछे कोई और है, क्या ये एक प्लान है, एक स्क्रिप्टेड प्लान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। तो बीजेपी सांसद की एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया और दावा किया कि उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ गठजोड़ किया था। इन वायरल तस्वीरों और आरोपों के बाद हमने ब्रजभूषण शरण सिंह से भी इस बात पर सवाल पूछा तो उन्होंने इन तस्वीरों के पीछे क्या कहानी बताई, जरा वो सुनिए। कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं कि आप सुप्रिया सुले जी के संग मंच शेयर कर रहे हैं, आप शरद पवार जी के संग मंच शेयर कर रहे हैं, तो ये बाया एनसीपी के थ्रू? ऐसा तो नहीं कि आप उनकी वजह से इन लोगों का आप विरोध कर रहे हो? हाँ, ये सवाल आया था। अभी मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ देश का, और ठाकरे साहब शरद पवार भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे पहले, और इस समय वो कुश्ती के संरक्षक हैं। और एक कार्यक्रम में हम गए थे और तीनों दिन लगातार शरद पवार जी आते थे और 3 घंटा हमारे साथ बैठते थे, और जो भी माला लेकर के आता था उनका कार्यकर्ता पहले मुझको माला पहनाते थे और तब पहनते नहीं थे हमको पहनाते थे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अगर 10 लाख लोगों के बीच में मिलेंगे तब भी मैं उनका सम्मान करूँगा। सुप्रिया सुले का मैं सम्मान करता हूँ, मुझे बड़ा भाई मानती है। शरद पवार बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, विचार अच्छा है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 1 लाख के लोगों में मिलेंगे तब भी मैं उनका सम्मान करूँगा। और रहा सवाल आंदोलन का, तो मैंने पहले कहा था ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है और मैंने कोई कोहनूर का हीरा नहीं मांगा था। अगर राज ठाकरे के जगह पर कोई समझदार आदमी होता तो वो माफ़ी मांग लेता। किसी ने कहा है, गोस्वामी जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। राम का नाम तो ले रहा है लेकिन राम के गुण उसमें नहीं है। और देखिए, अगर वो माफ़ी मांग लेता तो उत्तर भारतीय उसको क्षमा कर देते। हमने कोहनूर का हीरा नहीं मांगा था। तो जो 2 शब्द नहीं बोल सकता है, जिसने घाव दिया है और 70-80 हजार लोग प्रभावित हुए हैं, तो जो 2 शब्द नहीं बोल सकता है उसको हम अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। तो ब्रजभूषण साफ साफ कहते हैं कि जब वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे तब की ये तस्वीरें हैं। वहीं वो ये भी कह देते हैं कि सुप्रिया सुले उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हैं और वो खुद लाखों की भीड़ में भी शरद पवार का सम्मान करेंगे। अब भाई, इस रिश्ते को लेकर सियासत तेज है और लाजमी है कि मनसे और राज ठाकरे के समर्थक कतई इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन सबसे अहम है कि क्या यूपी बीजेपी की तरफ से भी इस पर कोई बयान आएगा या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ब्रजभूषण जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ और ही मामला है? आप अपनी राय रखिए कॉमेंट बॉक्स में और तमाम खबरों को यूपी तक पर देखते जाइए। तफसील से खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो यूपी तक .in पर जाइए। नमस्ते।